ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर फास्ट पर बोले विधायक शीशपाल केहरवाला, कालावाली से कांग्रेस के विधायक हैं केहरवाला, बीजेपी सरकार पिक एंड चूज की नीति अपना रही है, जहां बीजेपी के लोग बैठे हैं सिर्फ वहां विकास हो रहा है, सरकार कालावाली के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, सरकार से लड़कर जनता का हक लेंगे, ये कहा है केहरवाला ने। जनता से किए वादों को पूरा करेंगे, हल्के में स्कूल सड़क और खेल स्टेडियम बनवाना प्राथमिकता, सरकार कालावाली के लोगों के साथ कर रही है भेदभाव। खबर फास्ट पर शीशपाल केहरवाला ने कहा है, कालावाली से कांग्रेस के विधायक हैं केहरवाला, ये कहा है कि बीजेपी सरकार पिक एंड चूज की नीति अपना रही है, जहां पर बीजेपी के लोग बैठे हैं सिर्फ वहीं पर विकास हो रहा है, सरकार कालावाली के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, सरकार से लड़कर जनता का हक लेंगे। तो बड़ी बातें निकल कर आई हैं और इसको लेकर हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने खास बातचीत उनसे की है और इस बातचीत के दौरान शीशपाल केहरवाला ने जो बड़ी बातें कही हैं वो आपको सुनवाते हैं। जब मुख्यमंत्री जी का दौरा था कालावाली में, तब हमने पूरा विरोध किया कि हमें सब डिविजन चाहिए। तब उनका ऐसी हालात हुई कि उनको ये मानना पड़ा कि हम एसडीएम बिठाएंगे, और आज एसडीएम बिठाने के बावजूद ये 4 साल हो गए अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी। बिल्डिंग सरकार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। मैंने बताया कि हम इस मांग को संजीदगी से उठा रहे हैं बार बार, और उनको बनाना चाहिए, परंतु पता नहीं क्यों उनका विकास की तरफ ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि ये भेदभाव मेरे साथ नहीं हो रहा, ये कालावाली की जनता के साथ हो रहा है। जब जो मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का बन जाता है तो उसके लिए सभी असेंबली एक समान होनी चाहिए। ये चुनाव तक की प्रक्रिया होती है, विरोध और ये आपस में, आपको सभी को एक नजर से देखना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये पिक एंड चूज वाला काम है, जहाँ कहाँ काम करना है, अपने लोग कहाँ बैठे हैं, ये कालावाली के लोग भी उन्हीं के हैं, हम भी उन्हीं के हैं। चलिए इस बीच ये बड़ी खबर कहा है शीशपाल केहरवाला ने, कांग्रेस के विधायक जिन्होंने पिक एंड चूज का आरोप लगाया है सरकार पर, कहा कि बीजेपी सरकार पिक एंड चूज की नीति अपना रही है, बीजेपी के लोग बैठे वहां सर विकास हो रहा है। चलिए इस बीच इस पर रिएक्शन भी सामने आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन आए हैं शीशपाल केहरवाला के बयान पर, बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। केहरवाला लगा रहे हैं झूठे आरोप, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। मनोहर सरकार में एक समान विकास हुआ है, बलकौर सिंह ने यह कहा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने भी जवाब दिया है, केहरवाला खुद जनता से किए वादे नहीं निभा पाए, तो ये प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं शीशपाल केहरवाला के बयान पर। बीजेपी की तरफ से केहरवाला झूठे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा बीजेपी ने कहा, पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको जरा सुनवा देते हैं, बलकौर सिंह का रिएक्शन आया है। आरोप लाए गए एमएलए वालों, देखो सरकार ने कदे भी भेदभाव नहीं किया, मैं भी अपोजिशन च रहा, सरकार ने सबका साथ सबका विकास के तहत पूरे हरियाणे काम किए ने। हुण तुसीं देखो विधायक जी खुद ही कह रहे हैं भी सानू 5 करोड़ के काम दिते, और वो किने दिते है, सरकार ने दिते है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कांग्रेस के विधायक जी ये कह रहे हैं भी मैनू 5 करोड़ रुपया दिता, दूजे पासे कह रहे हैं मेरे नाल भेदभाव किया गया। ये तो असी देखना है, एज एमएलए ने देखना है भी मैं किन्ना पैसा कित्थे लाउणा है। कालावाली के विधायक शीशपाल केहरवाला जी को सरकार के ऊपर आरोप लगाने से पहले स्वयं के गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने स्वयं चुनाव में कालावाली की जनता से वायदा किया था कि वो चुनाव के बाद कालावाली में अपना निवास रखेंगे, वो तो आज तक पूरा नहीं कर सके।
जबकि ये सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद जब संभाला, उन्होंने उसी वक्त सभी विधायकों को बाकायदा ये कहा कि हर विधायक अपने क्षेत्र के अंदर 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र है, वो अपने एस्टीमेट लेके आए, सरकार वहाँ पे विकास कार्य करवाएगी। स्वयं केहरवाला साहब अपनी बात में ये स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार ने उस 5 करोड़ में से लगभग 4 करोड़ 16 लाख रुपए के विकास कार्य करवा दिए। उन्होंने खुद ये बताया कि 90 लाख एक इशू हो गए, 1 करोड़ 16 लाख एक इशू हो गए, 2 करोड़ 10 लाख एक इशू हो गए। खुद वो 4.25 करोड़ रुपए की डिटेल तो स्वयं दे रहे हैं। तो आपने सुना शीशपाल केहरवाला के बयान पर बीजेपी की तरफ से रिएक्शन सामने आए हैं। केहरवाला झूठे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने कहा पूर्व विधायक जो बीजेपी के बलकौर सिंह, जिन्होंने प्रतिक्रिया दी कि मनोहर सरकार में एक समान के विकास हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने भी जवाब दिया है, केहरवाला खुद जनता से के वादे नहीं निभा पाए।